ब्रेडवा सेक लिए हैं, चायवा दोगी? अच्छा क्या कर रहे हो? तावा भी पा रहे हैं, चुतर सेकेंगे अपना। ऑफिस का भी काम करो, बाहर भी कमाओ, घर में भी आके अपने से ब्रेड टिंटिकिया बाजी मत करो, टिंटिकिया औरत मत बनो। जिंदगी भर बचपन से ही हाथ गोड़ से गाड़ गोड़ धोते हुए बड़ा हुए हैं, काम करते हुए बड़ा हुए हैं। शादी के बाद सोचे आराम मिलेगा तो कुछ ही आराम मिलेगा, औरत भी मिली है वो हड़ी घंट जैसा, चाकू से ब्लेड पलट रही है। कहाँ गृहस्थी चलाओगी तुम जी? इतना गुस्सा, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल रहे हो। मैया नहीं तो दीपा जला देंगे मुंह में। शादी का लड्डू है, खाए ढक रहे आपात दी। अच्छा आदमी को जानवर बना दोगी तुम लोग, ये नवरत लव मैरिज किए थे। अरे साला चाय मांग रहे हैं, चाय नहीं मिल रहा, दो दो घंटा इंतजार। बेटिंग में चल रहा है, ट्रेन का टिकट है कि बेटिंग करवाती हो? बिंधोले ब्रेड रख दी प्लेटवा मेरा, मैं बिंधोले रख दोगी? कुछ था क्या? खाओ तुम भी, खाओ खाओ तुम भी खाओ। हाँ बहुत तेज बनती है, इसको सुधारने लायक है, सुधरेगी कभी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या किए तुमको? हम कुछ किया दिमाग में बोले सौरी को चापते अपने चुतड़ के नीचे। हाँ। सौरी बोले एक तो आंटी के सामने तुम ऐसे बिहेव किए हो, क्या क्या होता है अभी? तुम क्या गल गए? क्या छुए तो तुमको? जाओ यार यहाँ पे, जाओ 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 यार यहाँ पे, जाओ जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोनल सोन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज करने वाले हैं सोनल के साथ प्रैंक बहुत तगड़ा, क्योंकि सुबह ऑफिस जब जा रहे थे सोनल से मेरा थोड़ा अनबन हो गया था, सोचे कि इसको मुद्दा बनाए, तो बैठ के ऑफिस में आइडिया आया, सोचे कि अब घर जाएंगे तो उससे बात ही नहीं करना है, जो भी अगर कुछ कुछ छोटा मोटा काम बोलेंगे अगर वो लेट की तो उसके लिए तो तांडव करेंगे और इतना रूड होंगे कि सोनल का मूड कर देंगे ऑफ हो जाएंगे, रूड सोनल का कर देंगे ऑफ मूड। रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, प्रैंक किस दिशा में जाएगा ये भी नहीं पता, खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे ही सुबह से हम दोनों में अनबन हो चुका है। आपको पता है हस्बैंड वाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ ले, चाहे लव हो या अरेंज मैरिज हो, थोड़ा मोड़ा अनबन तो होता है हर दिन, चाहे बच्चा को लेके हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, कोई नहीं पता। तो आज मेरा मूड था सुबह से ऑफ, और आज करने वाले हैं सोनल पे रूड प्रैंक, इसी का मुद्दा बनाएंगे, घींचेंगे इसको चिलगम की तरह, लम्बा लम्हार देंगे, पकड़ के घींच देंगे, अब देखते हैं क्या तांडव होता है घर में, सबके सामने कर देंगे बेइज्जत, जो आएगा उसके सामने उसको इसका टेढ़ा जवाब देंगे ना, उसका मुंह बन जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी 100K पूरा कीजिए। भाई आपका भाई बहुत दिन से बोल रहा है, जो भी आओ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, और आने वाला समय बहुत अच्छा अच्छा कॉमेडी प्रैंक लाने वाले हैं, देखना। लव यू बाय। साला कामों करो बाहर का, घरों का काम करो, यही दिन देखने के लिए ब्याह आदमी किया है। ऐसा ऐसा तो औरत जिसको मिल जाए ना तो नर्क साला धरतीय पे नसीब हो जाता है, ऐसा औरत जिसको मिले नर्क धरतीय पे नसीब हो जाता है, ऐसा औरत जिसको मिले। 5 घंटा से बोल रहे रे आए हैं चाय बना दो, चाय बना दो, सही रील्स बना रही है छत्ता पे, गर्म होगा तब ना साला। इसीलिए साला आदमी को अपने डिपेंडेबल होना चाहिए, खुशामत नहीं करना चाहिए किसी को। भूख लगल है साला, क्या कर रहे हो? ओह नो, बच्चो क्या कर रहे हो? तावा धी पा रहे हैं, चुतर सेकेंगे अपना, तावा धी पा रहे हैं, चुतर सेकेंगे अपना। क्या बोला तूने? तावा है ना, धी पा रहे हैं, गर्म हो गया है, चुतरिया सेकने के लिए धी पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं सूझ रहा है तुमको, आधर उधर हो गई हो। ऐसा क्या बोल दिया जो कि इतना भड़क रहे हो? भड़क रहे हैं, ऑफिस से कखने आए हैं हम, और 3 बार तुमको बोले हैं तो तुम आसी के साथ रील्स बना रही हो, तुमको तो कमरे डुलाने से फुर्सत नहीं हो रहा है, तुमको तो कमरे डुलाने से फुर्सत नहीं हो रहा है। एगो कोची इंस्टाग्राम हो आ गया है, सब औरत को पकड़ा दिया है, दिन भर जब देखो गाय डुलाते रहेगी सुबह शाम तक। अरे अपना साला सब काम करो, अच्छा लगता है सब काम करने में, लेकिन सबका एक समय है, मेरा एक समय है, हम पति है तुम्हारे, ऑफिस का भी काम करो, बाहर भी कमाओ, घर में भी आके अपने से ब्रे टिंटिकिया बाजी मत करो, टिंटिकिया औरत मत बनो। अब आए हैं तो छो बटोरने आई हो यहाँ पे, टिंटिकिया तुम रे हाथ खाई भी नहीं करेंगे, जखने बोल रहे थे तखने तो अपने बाबा बन रही। 10 मिनट में आ रहे हैं तो क्या हो गया? 10 मिनट अगर लेट हो गया तो इतना पहाड़ हो गया का है? प्यासल रहेगा आदमी, अभी अब मांगे अभी पानी आ दोगे 2 घंटा बाद, तब प्यास तुम्हारे आस पे बैठल रहेगा वो। आए ना 10 मिनट ही तो हुआ है, जिंदगी भर यही, जिंदगी भर बचपन से ही हाथ गोड़ से गाड़ गोड़ धोते हुए बड़ा हुए हैं, काम करते हुए बड़ा हुए हैं। शादी के बाद सोचे आराम मिलेगा तो कुछ ही आराम मिलेगा, औरत भी मिली है वो हड़ी घंट जैसा, हड़ी घंट जैसा भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखो देख थोड़ा सा इसको
थोड़ा छू दिए तो हाथ पकड़ के माथा पे चढ़ गई, थोड़ा बोल देते हाँ बना लो रील्स बना लो, तो एक दिन भर रील्स बनाते रहती है। अरे घड़ी घंटा का चीज है, होता रात में काम करके फ्री होता बना लो दिन भर तो बनाते हैं। यार प्लीज हमसे बात मत करो, जान दो हम हाथ जोड़ते तुम्हारा, प्लीज हमको इरिटेट मत करो। तुमसे ना जब ऑफिस से आए थे अच्छा मूड था, तुम अच्छा मूड भी मेरा खराब कर, अब हमको तुमसे बात ही नहीं करना, काम करने दो। दो ना हम कर देते हैं, भूख लग गया है हमको, नहीं भूख लगा दो हम बना देते हैं। लोहिया रही हो मेरे आगे पीछे, इसलिए लोहिया रही हो कि दो ब्रेड तुमको भी दे दे बटर लगा के। क्या हो गया इतना, क्या मैं तुम लोहिया रही हो मक्खिया नहीं, 10 मिनट तो हुआ है अभी, 10 मिनट में तुम इतना चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर, तुम मक्खिया नहीं लोहिया रही हो, समझ गया ब्रेड चाहे तुमको भी खाने का मन कर गया, सोची की अरे बना लेगा तो हम तो देखो जल रहा है, अरे जरता ही जल रहा है ब्रेड, जरता ही जल रहा है ब्रेड, ठीक कर देते हैं मार देंगे दो तीन तवड़ा घींच के तुम। हे प्रभु छोड़ो, रखो चाकू, चाकू से ब्लेड पलटाता है, देखो ना चाकू, चाकू से ब्लेड पलट रही है, कहाँ गृहस्थी चलाओगी तुम जी, छोलनी से पलटाता है ब्लेड। अरे जल्दी जल्दी में इसको जल्दी जल्दी में तुम चाकू हुर दोगी, जल्दी जल्दी क्या आज काम कर दिए हैं, हाथ से भी जल्दी होता है, एकदम टिंटिकिया लड़की है भाई, क्या बोले इसको हम, बाप रे बाप, इतना गुस्सा मतलब कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल रहे हो। हे मैया बोल पड़ा ही हो तोरा, तुझो शांत गोवर्धन शांत, सॉरी ना पाँच ही दस मिनट लेट आए तो क्या हो गया, सॉरी बोल रहे दस मिनट लेट आए, हम ककरे से मांगे हैं, हम तुमसे दो बजे मांगे, बज रहा है चार, नहीं बोले दस मिनट में कुछ दे रहे हैं। तुम्हारा रील्स एगो तो साला लूर भास नहीं है बनाने का, एक जगह पे 20 बार करूंगी तब एक बार डालती हो, जब नहीं आता है कहल वो सब काम छोड़ दो, सब तुम्हारा है ढचरिया बनाने का, आए डांस करने का, है ढचरिया बनाने का, आए डांस करने का, गजब बेइज्जती है, बुढ़ा गई और रील्स बना रही हो, आई सब लड़का बुजुर्ग काम है, आने वाला क्या बात है, अरे दुनिया बनाता है सब बच्चा 15 साल से लेके 20-22 साल वाला का है। हाँ तो हमको मेरा क्या 50 साल हो गया है, 28 साल 29 साल वाले औरतियन का नहीं है, ब्याह शादी कर लिए और डांसे करने लगी हो, लग रहा है ना मेरा, हम तुम तो लगता है ना कि हमको एकदम बूढ़ी बना दोगे एकदम बहुत पहले ही, जलोगे रुक जाओ कम करो, बंद करो दूसरा ब्रेड सेकेंगे, वो भूख लगा लग तीन गो चार गो खाएंगे, दो फिर हाथ लगा रही हो, तुम्हारा हाथ लगा नहीं खाएंगे, फेंक देंगे ब्रेड बा हम, बन रही हो ऐसे क्यों कर रहे हो एकदम अजीब से, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्यों कर रहे हो पूछो, एकदम थोड़ा सा क्या लेट आए तुम, तो एकदम गुस्सा रहे हो एकदम बेमतलब का, थोड़ा सा लेट है इसको तुम थोड़ा मतलब क्या समझ लियो, दिन रात का यही काम है, आदमी सहते सहते ना आए घोट पीते रहते हैं दिन भर, 24 घंटा यही देखते रहते हैं कि तुम कितना बात सुन रही हो, हम भी डिक्शनरी में माइंड में नोट कर रहे हैं, हमको भी पता है और एक बार गुस्सा फूटेगा तुम्हारे घर में फूटेगा, तुम्हारे माई बाबू के सामने बोलेंगे यही संस्कार दी है, आए मछलियां ऐसे पनिया से निकाल के तड़पता ना, वैसे खानवाओ, खाना मांगो तब 4 बार बोलना पड़ेगा, पानी मांगो तो 10 बार बोलना पड़ेगा, ब्रेड मांगो तब 20 बार, मतलब ऐसा मतलब क्या शादी, बोलता है साला लव मैरिज, आए ये साला लव मैरिज कौन खुश है हमको, तो बोलते हो ना कि जैसे लगता है ना कि हम तुमको पानी ही नहीं देते हैं, ना तुमको चाय देते हैं, ना तुमको खाना देते हैं, अरे क्या बोले, चाय बनाएंगे चाय सब अब अपने करेंगे, तुम लोग से लेना है मत बनाना, 2 सॉसपैन देते हैं उसमें बनाना, तुम हटाओ हाथ, हम मेरा घर है ना, हमको पता है कहाँ रहता है, अरे पूछो दो ना बना देते हैं हम, हमको नहीं बनाना है हमको, हम अपने कर लेंगे, अरे दो ना पूछो बना देते हैं, सॉरी ना बोल रहे हैं ना, सॉरी तुमको सॉरी बोल रहे हैं, सुनो ना अभी जो छो बटोरने आई हो ना हमको, जखने से हम बोल रहे थे रील्स बनाई, और रील्स बना के बोल रहे थे पलंगवा पे, बोले हमको ठंडा लग रहा है 2 मिनट बाद बना दे, 2 मिनट करते करते 2 घंटा हो गया, अब बोलते हैं तो आओ चादर टांग के गांव घुमा के सो गई, थक गई रील्स बना कमाई कर रही हो, थक गई थी बोल रहे रील्स तो बनाने में थक गई, अब बोल रहे थे ना सोना चाय बना दो, देख रहे चदरिया गणिया घुमा के सो गई, आओ गाना एक सो रही है, अब तो आए बनाने दो, अब तुमको लाज लगा, अब लाज लगा कि काम वाली मेड आएगी, मम्मी उधर काम गेहूं चाल रही है, सोचेगी ना औरत कह रहे थे मर्दाना छोलनी डुला रहा, अब लाज लगे तुमको, अब लजाना जरूरी भी है तुमको, बोले ना पूछो कि सॉरी गलती हो गया इसलिए मम्मी परेशान रहती है ना, एक गो बर्तन नहीं मिलता, देखो ना एक गो ब्रेड हम सेके तावा गरम पे, हाथ से सेकना पड़ा, छोलनी कौन बिल में डाल देती हो, छोलनी यहाँ पे है, छोलनी सारा कुछ तो यहाँ पे रहता है, छोलनी है, छोलनी कहाँ है, लो इससे कर लो, आए बिल में डाल के रखती है, इसीलिए सब परेशान रहता है इससे घर में, धोएगी ऐसे अंदर अंदर घुसिया देगी, आए घी लो, घी कहाँ है, छोड़ो तुम्हारे हाथ का नहीं पिएंगे, घी वो जहर बन जाएगा, दो घी वो जहर बन जाएगा, दो बोले ना सॉरी बटर, सुनो ना आप सुनो ना उसे मत करो, हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, हटो तुम हटो दूर, अरे बोल रहे हैं बदमाशी मत करो मेरे सामने, छो बटोरने आई, इसको लाज लग गया कि मर्दाना मर्दाना साला, बोले ना गलती हो गया सॉरी, चुटबा धीपा के ना मुंह जला देंगे तुम्हारा, भागी तुम यहाँ से,
चुतवा नहीं दीपा के चला देंगे तो पागल हो गए हो क्या? पागल कुछ हो गया भागो, एकदम भागो मेरे सामने। आप जा रहे लो दीपा, आप जा रहे लो दीपा देंगे अपना सारा काम। भागो, बहुत तेज बन गए, बहुत भैलू दे दिए इन लोग को। गजब टू बी बाज आदमी। A few moments later. ब्रेडवा सेक लिए, चायवा दोगी? नहीं देख रहे हैं, रील्स वीडियो बना रही हो, डोल डोल के तैयार होके पांच बार मांग लिए हैं। आए हैं बनाने के लिए ना चाय? बनाने के लिए आए हैं। पहले धो तो उधर जाके, थोड़ी से थोड़ी से धो दिए, धो पहले बिन बिन धोले ब्रेड रख दी प्लेटवा मेरा में, बिन धोले रख दोगी? कुछ था क्या? खाओ तुम भी, खाओ खाओ तुम भी, खाओ खाओ तुम भी, खाओ। हो गए हो क्या? हम इतना मेहनत से हम अभी इतना हम इतना मेहनत से सेके हैं, आए तुमको करने बोले तो अति कर रही हो, चायवा बनाने बोले चायवा नहीं बना रही हो। हम रखे हैं बटन, देख रहे हैं, देख रहे हैं, सब संस्कार है जी, एकदम गजब। अच्छा आप ही बोलिए आंटी, आप ही बोले ना, सुने ना, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है गलत की नहीं की? एक तो हम सेकने बोले नहीं सेकी, आ जानते हैं क्या की? सुनिए हम जूट का पेटवा में रख दी ब्रेडवा, अच्छा अच्छा कितना सहेंगे इसको बताइए आप ही। अच्छा कुछ सीधी लगती है ये को एंगल से? नहीं क्या बोले, कोई बात नहीं, कौन बेसी होता है तो कहूँ गलती, इसका तो मन करता है मार दे। हाँ बहुत तेज बनती है, इसको सुधारने लायक है, सुधरेगी कभी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या किए तुमको हम? क्या किए तुमको हम? क्या किए तुमको हम? क्या किए तुमको? मुझे किए कमा नहीं करती हो जो? अच्छा आदत नहीं है ये सब, हम ही पे गुस्सा के चल रहे, देख रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस अभी आपने देखा चश सोनल को कैसे हम इम्बेरिस के काम वाली के सामने ब्रेड वेड उसके मुंह पे फेंक दिए, और वो आंटी जो थी काम वाली वो एकदम सकबक हो गई कि अरे इन लोगों ने लड़ा, और उनका एक्सप्रेशन आप देखो जूम करके कैसा हो रहा है। और सोनल जानते हैं वहाँ पे तो जल्दी से भाग आए, हमको हंसी भी आ रहा था अंदर से, सोनल का मुंह बन गया कि उन काम वाली के सामने बेइज्जत कर दिए, और वो गई है भी सोनल दीदी की तरफ शिकायत करने, मम्मी दीदी की तरफ बैठी हुई और दीदी और मम्मी को बोलने के लिए कि बदतमीजी मेरे साथ कर रहा है, बोलिए उसको चल के। और अभी हम रूम में आएगी सोनल, कैमरा हम जा रहे हैं सेट करने, चलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बहुत तेज बनती है, सोचती है कि नहीं बोलेगा, जितना प्यार करो दुलार करो मथवे पे चढ़ जाती है। माथा पे चढ़ गई है इतना, जितना मीठा बनो उतना ही साला कड़वा बना देती है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। सोचती है कि शादी का लड्डू है, खाएं ढकरे या पात दिए, तो बात है कुछ ही बगवा रही हो हमको। मतलब थोड़ा सा भी तुम्हें बोल तो रहे हैं कि शर्म नाम का कोई चीज नहीं है ना, काहे शर्म लगेगा हमको? आंटी के सामने तुम ऐसे बिहेव किए, आंटी के सामने तुम्हारा घंटी बजाने का मन कर रहा था, आंटी के सामने बिहेव किए, कुछ बिहेव किए। तुमको कैसा भी नहीं लगता है कि तुम उनके सामने मेरे ऊपर चार ब्रेड ऐसे करके फेंक दिए, वो क्या बोलेगी? 10 जगह वो काम करती है, नीचे ऊपर सब जगह काम करती है, क्या बोलेगी वो? ये काम ना हमको कुछ साल पहले कर लेना चाहिए था, सुधार के रहती। तुम लोग सुधारोगी जी, अच्छा आदमी को जानवर बना दोगी तुम लोग, ये नवरत लव मैरिज किए थे, अरे साला चाय मांग रहे हैं, चाय नहीं मिल रहा, दो दो घंटा इंतजार, वेटिंग में चल रहा है, ट्रेन का टिकट है कि वेटिंग करवाती हो? आए साला लग रहा है कि ट्रेन का टिकट है, तत्काल वेटिंग नियम बना दियो, पानी में तत्काल वेटिंग, चाय में वेटिंग, खाना रात में मांगो वेटिंग, खाना बनाने वेटिंग, साला एक तो दिन भर घर में नहीं रहते हैं, आए गाड़ सुखा के जाते हैं काम करने, तो कहा है तो बीबी दम अच्छा? 16 सिंगार करे, 10 मिनट बस, 10 मिनट लेट हुआ, उससे ज्यादा लेट नहीं हुआ, 10 मिनट के बाद हम दिए ना, कितना देर बाद घर आए हैं, 2 घंटा से कुछ खाए थे, सुबह नाश्ता करने निकले थे, 10 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट जब काम करेंगे तो छो बटोरने आएगी। आप कहे लगे यहाँ पे आ गई हो, आज तो तुम भोरे से मेरे गाड़ पे प्याज काट ले हो, अब यहाँ पे आ गई हो, तुम तो यही सोचोगे ना कि उधर गई है मम्मी को बोलने के लिए या दीदी को बोल के आई ना जी, उधर छमा के गई बोली ना सबको, माई बाप को तुम सबको बोल के आई हो, अपने ऐसा समझो, अपने जैसा मत समझो, साला जिंदगी बर्बाद हो गया, साला ऐसा औरत पनौती है, बाप रे बाप।
कहता लव मैरिज में साला सुकून मिलता है, आए सुकून घंटा। वही तो सोच रहे कि हम ऐसा किए क्या जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, इतना रूड क्यों बन रहे हो तुम? की क्या हो, चाय मांगे सुबह सुबह जाने से ऑफिस से जाने से पहले मौजा को खोजते रहे, कहा तुम फिज के सही जगह मौजा नहीं रखते हो, उसके लिए गए हमको लेट हुआ ऑफिस में, हम बात सुने साल सीनियर से, अभी आए हैं तो तुम रील्स बना रही हो आसी के साथ छत्ता पे, अब बोल रही हो 5 मिनट में आ रहे हैं, हमको अब भूख प्यास नहीं लगता है, है? मेरा मुगड़ नहीं है, मेरा मुगड़ नहीं सूखता है, प्यासा लो चाय पी के बिना छछनता है। देखते हैं इतना बड़ा बड़ा हरकत करके कितना आराम से एकदम सोए हुए हो, लेटे हुए, मतलब कौन, मतलब थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है तुमको कि हाँ हम गलत किए? अपने चादर टान के गांड घुमा के सुतल रहती हो, उठाएंगे तो उठोगी नहीं, सामने भुंजा दो ही दो, हमको भी नजर लगा रही है कि हम सूत रहे हैं, हम सूत रहे हैं, देखो करेजा में दर्द हो रहा है, देखो करेजा में दर्द हो रहा है, बाहरे बाहर हमको क्यों दर्द होगा? काहे लगी आगे दिमाग चाटे लगी, काम धाम है जाके करो, मेरा मथवा बैठ गई हो पीरा के, अब फिर मथवा तर बैठी हो, मथवा खा रही हो भूख, बात करना और हमको जानना है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, हुआ क्या है? बात एक सीखी है जीवन में, 10 कदम चोर से, 50 कदम चुगलखोर से, 100 कदम लतखोर से, तुम लतखोर अभी नहीं लती आएंगी तुमको, उतना काहे फिर आ गई हो, फिर डांटो, वही तो बोल बोल रहे, फिर गाली बात सुनो जाओगी, गाली बात तुम चाह लियो, आज गाली बात तुमको हम गरिया उरिया दे, आए आज दम चाह ली हो, गजब बेइज्जती है, हम लतखोर तो है ही ना, इसलिए बार बार आते हैं, लतखोर नहीं है ठीक है, पत्नी है ना, तो इसलिए इसलिए सोचते हैं कि हाँ तुमको क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो हमको क्या है, नहीं तुम तो एकदम देख रहे हैं तभी से जब से आए हो एकदम रूट पे रूट बने जा रहे हो, किए क्या ऐसा तुमको, गाना फाड़ दे हो बोल बोल के, अब किए क्या है, चकने से आए बोलिए रही हो, आए अभी तो वहाँ शांत होके आए, सोचे कि लेटेंगे आधा चाय खराब बन गया चाय पिए, आए कि फिर गाना फाड़ दे मेरा ही बैठ के बगल में, आए भागो यहाँ से, रोने भागो भागे भाग, यही तो बात है, यही तो तुम कर सकते हो ना, आपको भगा ही सकते हो, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ए रे यार काहे लगी भुका रही हो हमको, हमको सुतने दो, फिर से तुमको बोल रहे हैं ठीक है बात को यहीं पे खत्म करो, हम तुमको फिर से हम तुमको सॉरी बोल रहे हैं, लोग कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं कि 10 मिनट हम तुमको चाय बहुत लेट से दिए इसके लिए सॉरी, बात को खत्म कर देने वाला हम स्कूल का दोस्त है, आए कि घर का गोतिया है, पति है, बात खत्म अभी तब तक नहीं होगा जब तक ना तुमसे गुलामी नहीं खटवा ले हम अच्छा से, आए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बात खत्म करेंगे, पति है तुमको गुलामी खटवाएंगे जी, अभी तुम चिन्ही कहा हो हमको, सोच इतना अजीब क्यों है, क्या से क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या से क्या बकवास किए, छोटा सा चीज को तुम कितना ज्यादा खींच रहे हो तुमको पता भी है, कौन छोटा सा चीज है, 10 मिनट का चाय को तुम कहां से कहां खींच रही हो, साला बराती में जाता है ब्याह शादी में आदमी खाना नहीं मिलता तो पूरा बराती लौट जाता है, खाना पेट को तुम छोटा नहीं समझ लियो, पेट से जीवन है, आए पेटे में कुछ नहीं जाएगा, अब बोलोगी मर्दाना अच्छा प्यार कर ले दुलार कर ले, आए पेटे साला जला रही हो, अब बोलती हो मुंहा पे हंसी लेके घूमो, आए पेट मेरा साला चंडाल बन गया पेट भूखल भूखल जी, आए साला इसको समय पे खाना नहीं मिल रहा है, दिन का खाना रात में मिलता है, रात का खाना दोपहर में मिलता है, साला सब आए 19-26 कर दियो सब, भूखे ही रखते हैं तुमको, तो हम कुछ देते ही नहीं, ना तुमको चाय देते हैं, ना तुमको खाना देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ना तुम्हारा कपड़ा खींचते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, 5 छुरकुच्चा देंगे तब एक बार काम करोगी, और कुछ ही करती हो, और मैं 4 बार सुनाओगी, आ गई यहाँ पे सफाई देने के लिए बगल में, कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, बात को यही खत्म करो, सॉरी छोड़ी तुम हाथ मेरा, ठंडा हम गरमा रहे हैं हाथ, भी ठंडा लग रहा है, हम हाथ गरमाए अंदर कमल में, कुछ करी हो जिया, कुछ सोई तुम, लेटेंगे तो हम लेट नहीं सकते हैं क्या, नहीं तुम नहीं मेरे बगल में नहीं लेट सकती हो तुम, क्यों नहीं लेट सकते हैं, नहाती धोती हो तुम 4-4 दिन जड़वा में, आए घुसने आई हो मेरे बगल में, अपना कमल में घुसो, अपना कमल में घुसो, मेरा कमल में कल हम बहुत मेहनत से गरमाए इसको, आए क्यों कर रहे हो, कमलिया गरमाने में टाइम लगता है तो ठंडा है, अपना कमल लो गरमलका में मजा मारने लो, करेगी तेज बनेगी गर्म, देखो सोना दिमाग में सौरी को चापते अपने चुताड़ के नीचे, हम सौरी बोले सौरी बोले, इसका सौरी को लेके हम कहाँ घूमे, आए साला दाय नौकर काम करने वाली उम्र के सामने मेरा बीपी हाई कर देती है, अब बोल रही है सौरी बीपी हाई किया वहाँ पे, आ तुम कितना गंदा बिहेव किया, तुमको थोड़ा सा भी पता है, देखो सोना कौन तर चाहे चर भर कर रही हो एकदम, बोले ना मिजाज एकदम खिनखिना रहा है, अब बीपी हो जाएगा हाई, फेल ठाल देंगे गिर जाओगी जाके उठा तुम, जान लो तुम चिड़िया, मैं कुछ इतना तो सॉरी तुमको बोल रहे था, हटो यार क्या उसे कर रही हो, दिमाग खराब कर रही है तुम, दिमाग खराब, साला रोज का यही धंधा बन गया इसका, लास्ट टाइम तुमको बोल रहे सॉरी, हटो हटो।
हटो। सॉरी बोल रही हो, एकदम दूर रहो। क्या ऐसा कर दिया है? नहीं, तुम तो ज्यादा काबिल बन रहे हो। क्या ऐसा कर दिया हम? गर्जोगी हम पे तुम ज्यादा? क्या गर्जोगी? क्या ना, क्या चढ़ने का कोशिश? चढ़ने का कोशिश मत करो हम पे। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि तुम हम पे चढ़ रही हो? जाके जाओ, नहीं मन लगता चल जाओ अपने बाबू के यहाँ, हम अपने बना खा लेंगे। सोच रही है ना कि दो टाइम खाना क्या खिला देती है, इसका गुलाम बन गए हैं हम। हस्बैंड वाइफ को ना थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। कम्प्रोमाइज करते करते साला बूढ़ा होते जा रहे, बाल पक गया। कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, सुबह खाना साला मिलता है, दो दो घंटा लेट खाना खा रहे हैं। जो नाश्ता करना चाहिए 10 बजे तो 12 बजे खाते हैं, और जो खाना खाना चाहिए साला 2 बजे तो 4 बजे मिलता है, और जो रतिया में खाना चाहिए 9 बजे तो मिलता है, 12 बजे बना के देती है। 12 बजे खाना खाते हैं, 12:30 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ के फिर ऑफिस जाते हैं 7 बजे। सच में मतलब कितना भी कर दो ना, वो तुमको हमेशा ही कम लगता है। तुम जो चीज करो ना वो चीज एकदम बहुत अच्छा है, एकदम सब कुछ अच्छा है। तुमको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है अपनी गलती को? तुमको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता है? कुछ रिग्रेट होगा हमको अपना, हम गलतियां नहीं किए तो रिग्रेट क्यों करें? हैं, कौन गलती कर दी है? नहीं, कौन गलती कर दी है जरा बताओ हमको। तुम कहीं गलत नहीं थे। कहीं गलत है हम? कहीं गलत है ये हम किए हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, रील्स बना रही है ये, इसको रील्स बनाना है ये, नहीं समय का पता रहता कि मर्दाना अब ऑफिस से आएगा। मर्दाना आया ऑफिस से और छोलनी डोलाए, आइए हम पसर के बैठे सेठानी नियन। 5-10 मिनट लेट अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है बताओ? क्या होता है अभी? तुम क्या गल गए? क्या छुए तो तुमको? तुम छू रही हो ना तो लहर भर रहा है देह में। जाओ यार यहाँ से, जाओ 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 यार यहाँ से, जाओ जाओ। कुछ नहीं बजी, मेरे से बात मत करो। बोले ना, बोले ना मेरे साथ एकदम थोड़ा सा भी हमको नहीं तुमसे बात करना है बस। क्या नाटक है यार, क्या नाटक? मतलब देखते भी नहीं हो कि कहाँ धकेल रहे हो, कहाँ गिरेगी कि मरेगी। अरे तो हम हल्का सा ठेले, तुम ससर के गिर गए उधर। हल्का सा ठेले हो तुम? अरे हमको क्या पता ससर जाओगी तुम? जोर से ठेले हो तो मोटा के सिलौट हो गई तो गिर जा रही हो, लद लद तो गिर जा रही हो। देहू में संभालना ना चाहिए उधर पकड़ उकड़ के। हम तो गुस्सा में है तो हम ऐसे हल्का सा कर दिए। तुम हल्का सा नहीं किया, अगर हल्का सा करते ना तो हम कभी नीचे नहीं गिरते। ठीक कहा है? हर चीज का एक बात होता है, ठीक है? इतना भी नहीं होता है सुमान, समझ में आया ना? अरे ए लड़की रो कह रही हो, क्या हुआ? क्या क्या चाह रही हो कि क्या हुआ क्या हुआ? हाँ एक तो इतना कस के धकेल दे तो ये भी नहीं सोचते कि यहाँ की कहाँ गिर रही है कहाँ नहीं गिर रही। हम ऐसा क्या काम कर दे जो कि एकदम तुम सुबह से इतना नौटंकी किए जा रहे हो मेरे साथ? अरे हम जानबूझ के नहीं ठहले, गलती हम हल्का किए था। हमको क्या पता कि तुम लद्दाख से अंदर गिर जाओगी? हमको क्या पता था कि तुम कंट्रोल नहीं करोगी? पत्नी है तो मतलब अपने अपने करने का कुछ भी रिग्रेट नहीं है तुमको? कुछ भी नहीं? एक तो आंटी के सामने तुम ऐसे बिहेव किए हो क्या? प्रैंक हो गया आपके साथ। प्रैंक कर रहे थे जी, हम सही मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। ये अच्छा है तुम्हारा, ठीक है कुछ भी कर लो, प्रैंक कर दो, ऐसा नहीं होता है। सॉरी पुच्ची, प्रैंक कर रहे थे, हटाओ। प्रैंक कर रहे थे बाबू, सॉरी छोड़ो हमको। बट अरे प्रैंक कर रहे थे, बहुत ही अजीब हो बोले ना। प्रैंक कर रहे थे, सही में प्रैंक कर रहे थे। अरे छोड़ो ना, मतलब बोल तो दिए प्रैंक कर रहे थे आप। हमको नहीं बात करना है तुमसे, बस नहीं बात करना है तुमसे, नहीं बात करना है। अरे बोले ना प्रैंक कर रहे थे, सब नाटक था। अरे नौटंकी था ये सब, अरे सब नटलीला हम कर रहे थे। अरे नटलीला कर रहे थे, सब नाटक था जी। उठो ना, बोले ना छोड़ो। गाइस सोनल पूरा गुस्सा हो गई है, प्रैंक क्या बोले, बाद में मिलते हैं आपसे। इसको मनाने के बाद पूरा रो रही है, पूरा रो रही है। गाइस अगर ये वीडियो आप अब यहाँ तक देख रहे हो तो बस प्रैंक के लिए किए थे, कोई ऐसा कमेंट मत करना कि भाभी को ला दिए। अब देखो मेन बात है काम वाली के सामने इसको हम थोड़ा सा बोल दिए, वो हमको भी लगा था मे भी इसको हिट करे वो बात, वही बात हिट किया। और अभी गलती से हम मजाक में हल्का ठेलना चाहते, ये कस के सही में गिर गई। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में।